हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स काफी लोग कहते हैं समर तू कबाड़ी है, तू जुहारी है, नशेड़ी है, यहाँ तक कहते तू बावला है। अरे हूँ मैं भाई, मैं एक नंबर का। नहीं नहीं वो नहीं हूँ। तो भाई यकीन माने अब क्या करते हो, पेंट किया और डिब्बे को फेंक दिया। तो भाई साहब फेंकना नहीं है किसी भी डिब्बे से, हम बनेंगे सर्दी का बेस्ट जुगाड़, फ्री का जुगाड़ है। यस यस यस, कोई बना सकता है। प्लीज दोस्तों वीडियो बना रहे, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। चलेगा, चलते अपने टॉपिक पर, समर एक्सपेरिमेंट। लगता है आपने इंट्रो देख लिया भाई। डिब्बे में लेके गया था और लेके गया हूँ, मेरे माथे पे सी लिखा है। लिखा है पर भैया पता नहीं किसने लिखते। अभी आता रुक जाओ। तो भाई साहब इस डिब्बे पे करेंगे हम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और अच्छे से मैंने वैसे मिटा दो दिया है, किस्मत में लिखा हो तो भाई क्या है। बात तो सही है। चलेगा पढ़ा लेते कोई नेक्स्ट सामग्री। तो भाई साहब इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए लकड़ी का टुकड़ा, जो भी आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। और भाई दूसरा चाहिए लोहे की पत्ती, कोई भी आप कोई भी हल्की पत्ती ले सकते हो, थोड़े एंगल ले सकते हो। और ये भी ना मिले तो भाई साहब लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हो। यार भाई कह रहे हैं कि भाई अभी भी सी लिखा है, मिटना नहीं है। भाई साहब मुझे पता नहीं था, सॉरी। और भाई ये मिट नहीं रहा यार, बड़ी मुश्किल से देखी। हाँ अब जाके मिटा है भाई साहब, पूरी वीडियो इसी बन जाती है। चले भैया फटाफट बंदे चलते हैं काम से। तो भैया डिब्बे की लेंथ है लगभग 12 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ से लेंगे 3 सेंटीमीटर और भैया यहाँ से लेंगे 7 सेंटीमीटर। और 7 के लेंगे मैं आपको बता दूंगा अभी। और यहाँ से 12 सेंटीमीटर और भैया डिब्बे के बिल्कुल मिड में मार्क लगाओ। मतलब डिब्बे के जो मिड है ना उसको नाप पर, यहाँ से जो हमने पहले मेजर किया था 12 सेंटीमीटर, यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। ये भाई एक पहचान है सी होने की। मैं खैर ओ तो गाइस इस पर हम करते हैं फटाफट होल। भैया ऐसी एक डिब्बे पे लगाओ मार, वो देखो इसमें भी कर दो बनता। अभी देखो होल देखता, भेदभाव नहीं करते हम। तो भैया अभी इस पत्ती को हम मोड़ देंगे, ज्यादा मेहनत लगी। और भैया यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे, लगता है कुछ निकल गया है। तो भाई यहाँ पे लेंगे एक नट बोल्ट, तो भैया इसे यहाँ पर लगा देंगे। तो भैया अच्छे से इसे टाइट कर दो, चार्जर भी ले लो यार। लो भैया ये कब कहीं नहीं जाने वाला, हिलेगा भी नहीं, हिल रहा है वैसे, इतना पत्ता हिलेगा यार। अब लेंगे भैया जिप्सम स्क्रू, कोई भी स्क्रू आप ले सकते हो। तो भाई यहाँ पर मैंने 2 स्क्रू अच्छे से टाइट कर दिए, ये काफी मस्त लग रहा है डिजाइन, सिंपल सा। अभी आप सोचोगे समर यार तूने बनाया क्या है, क्या है ये मुजस्सिमा सा टाइप का, क्या बना दिया तूने। तो गाइस ये तो हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं इसे हीट कैसे देनी है, मतलब हम इसमें गैस तो नहीं लगाएंगे ना, इसमें कोई इलेक्ट्रिक चीज लगाएंगे, कोई एलिमेंट नहीं लगाएंगे, तो इसे हीट कैसे करेंगे। तो भैया थोड़े से कॉम्पोनेंट्स और चाहिए, देखिए छोटा सा पेंट का डिब्बा, एक ढक्कन और भाई साइकिल की वॉल बॉडी। अब गाइस आप समझ गए भाई मैं करने क्या वाला हूं, और इसके और ऑप्शन बताऊंगा। रुक जाओ यार अभी भागो मत ना, देखते रहना गाइस मैं करने क्या वाला हूं, पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं। तो भाई ये मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है, खूब अच्छे से टाइट कर ले। और चाहिए एक कॉटन का कोई भी सूती कपड़ा, या आप पापा का पजामा का नाड़ा ले सकते हो बिना पूछे, और उन्हें पता ना लगनी चाहिए, पता लग गई तो भैया आपको अच्छे तरह से वो बता ही देंगे कि बेटा आज के बाद तो ये गलती नहीं करनी। भाई वैसे जो फीलिंग पापा के पजामे के साथ खेलने में आया ना, कि पापा के पजामे का नौड़ा और पापा ने ये कर दिया और पापा ने वो कर दिया, वो फीलिंग भाई साहब दुनिया में कहीं भी नहीं है, जो बात है किसी भी चुटकुले जोक में नहीं है। अबे आ जा यार। तो ये भाई बाहर पास आ ही गया है लगभग, इतना बहुत है। तो भैया मैंने इसमें लगा दिया नौड़ा, ठीक है अब हमें इसमें ऑयल डालना है। तो भाई ये है तारपीन का तेल। और गाइस एक बात और जो कि फ्रेंड्स बहुत ही मेन बात है, पेट्रोल का यूज कभी मत करना दिव्या के लिए, कभी छोटे बच्चे होते हैं वो समझे फ्रेंड्स कि हमारे पास केरोसिन ऑयल नहीं है ना, तो लोग सोचते हैं या बच्चे सोचते हैं हमारे पापा की गाड़ी में मोटरसाइकिल में ही उसमें तेल निकाल लेते हैं। तो प्लीज दोस्तों पेट्रोल बहुत ज्यादा डेंजर होता है, खतरनाक होता है, तो गाइस प्लीज पेट्रोल से खड़वा ना करें। खैर ये तारपीन का तेल है, अगर आप इसके अंदर माच की तिल्ली भी डाल दोगे तब भी ये आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन पेट्रोल ऊपर से भी आग पकड़ लेगा। तो भाई साहब मेरे पास मिट्टी का तेल नहीं है और मिल भी नहीं रहा मार्केट में, आई थिंक बंद हो गया है या राशन वालों ने बंद कर दिया है, तो मैं मजबूरी में ये वाला तेल डाल रहा हूं और इसका अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा मैं। तो भैया थोड़ा सा बस हाफ बहुत है और इसके अंदर से डुबो दो। तो भाई ये बन चुकी है डिबिया, काफी लोग कि अलग अलग लैंग्वेज में इसका नाम अलग अलग है, तो हम तो खैर डिबिया कहते हैं। तो गाइस डिबिया क्या रोल है, देखिए डिबिया जाने के बाद यहाँ रख जाएगी। अगर आपके पास डिबिया नहीं है, लालटेन नहीं है, या आप बना नहीं सकते बनाना चाहते हो, तो गाइस इसे ना बनाकर इस कैंडल का यूज कर सकते हो, मोमबत्ती फ्रेंड्स वही काम करेगी, बल्कि इससे अच्छा कैंडल काम करेगी, लेकिन गाइस ये थोड़ी महंगी पड़ेगी इसलिए भाई मैं ये सजेस्ट नहीं करता, आप दोनों में से कोई से यूज कर सकते हो। तो भैया चेक करते हैं फटाफट, ये देखिए थोड़ा धुआं ज्यादा करता है ये तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल नहीं करता भाई, इसके अंदर ये लगा दो, ये गाइस पूरा हीट हो जाएगा। तो मैं इसे बंद करता हूँ, ये बहुत ज्यादा धुआं करता है, ये मोमबत्ती नहीं करेगी धुआं, अगर करेगी इतना नहीं करेगी। तो भाई ये इसके अंदर इस तरीके से लग जाएगा, आप पूरी मोमबत्ती भी लगा सकते हो, बीच में हो गया है। अब गाइस मेन बात ये है कि भाई हमने बनाया क्यों है, देखिए आप बाहर से आते हो, स्टूडेंट हो, हॉस्टल में रहते हो, या भाई आप बाइक चला के आए हो, तो गाइस लोग क्या करते हैं गैस चूल्हे पर भी हाथ रखते हैं, तो गाइस हाथ जलने के काफी चांस रहते हैं। गाइस इतना बढ़िया हीट हो रहा है, बढ़िया हर जगह से अच्छा हीट हो रहा है,
तो बाइक चला रहे हो, स्टूडेंट हो या कोई भी किसी तरह का फ्रेंड, आपके हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं सर्दी में, तो बात इस पर से क्या मजा आ रहा है देखिए। मतलब आपको पूरे शरीर को गर्मी का एहसास होगा। लक्स को जी ये भूल जाओ भाई साहब, अमिताभ बच्चन खुद रजाए में लेटा भाई साहब उनका ऐड करने के बाद, तो भाई साहब उन्हें भूल जाओ और भाई ये यूज करो, बहुत सस्ता है, फ्री का जुगाड़ है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी इजीली बना सकता है। ये पत्ते लोहे के नहीं लेगा, लकड़ी के भी ले सकते हो, लेकिन लोहे के लो तो भाई अच्छा रहेगा क्योंकि फ्रेंड्स पूरी हीट होगी और सेफ भी रहेगी, ज्यादा लंबे समय तक आप इसका यूज कर सकते हो। अब गाइस मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव। तो गाइस अभी टेम्परेचर हो रहा है 27.2, ठीक है, आपका भाई गर्मी मर रहा है जो बात है बचाओ से है। तो भैया इसे हम यहाँ लगाएंगे, ये तो यार काफी गर्म हो रहा है, माय गॉड। तो भाई टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई इसकी जो हीट है ना कैंडल की, मोमबत्ती की, पूरे डिब्बे के अंदर स्टोर हो रही है, बढ़िया। तो भाई डिब्बा आप कहीं से पकड़ लो, नहीं पकड़ पाओगे, खासकर भाई साहब ऊपर से। देखिए भाई मस्त टेम्परेचर है भाई साहब, देखिए 80 डिग्री टेम्परेचर होगा, देखिए 80 डिग्री सेल्सियस, देखिए 83.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो भैया ये तो पानी भी गर्म कर देगा आराम से। तो भाई साहब एक बात हो, अगर आप इसे बनाओगे, इसके अंदर कैंडल जलाओगे, और भाई अगर आपने डिब्बे में होल नहीं करे, देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे दो होल कर दिए, तो भाई साहब ये कैंडल नहीं जल पाएगी, थोड़ा सा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, आपको फ्रेंड जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो भाई इसके अंदर कैंडल नहीं जल पाएगी। जब इसे बनाओ तो कहीं भी छोटे छोटे तो होल कर दो, कंटिन्यू आपकी कैंडल जलती रहेगी, वरना होल नहीं करोगे थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। मैं करके देख चुका हूं, बता रहा हूँ ये अभी एक कंटिन्यू देखे जल रही है, बढ़िया जल रही है, मस्त बिल्कुल। ये हमारा स्प्रे, ये रहा डिब्बा, देखिए ओए होए, देखिए देख रहे गाइस, देखिए आप गाइस इसकी हीट का खुद ही अंदाजा लगा सकते हो सिर्फ एक छोटी सी कैंडल से, देखिए जो कि कंटिन्यू जल रही है। तो भैया इसे करते हैं बंद, और भैया अपनी वीडियो को भी यही विराम देते हैं। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा। मेरे एक सब्सक्राइबर है, जैसे आप फ्रेंड्स हमारे व्यूअर हो, उन्होंने मुझे ये एक आइडिया दिया था कि सर आप ऐसे कर सकते हो, उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी थी जो मैंने अभी हीटर की बनाई थी, आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स उनकी दिमाग में आइडिया, उन्होंने मुझे बताया, थैंक यू सो मच भाई आपने आइडिया बताया और ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बनाकर आपको दिखा दिया। आप जानते हो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे लाइन मेरी क्या होगी, वैसा प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने गरीब दोस्त, गरीब दोस्तों गरीब अमीर होता ही नहीं है, है ना, और भाई गरीबों के दोस्त नहीं होता है, मैंने देखो भाई पढ़ा है, मैंने कहीं तो इस बार बता रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई दोस्ती में अमीर गरीब कुछ नहीं होता, सबसे बढ़कर होता है। खैर मैं इमोशनल हो जाऊंगा, रोल लगूंगा, तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।